प्रताप सिंह को मैं अब पहले भी बोला, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, सुधर जा बच्चा। तुम्हारा उम्र इतना भी नहीं हुआ है कि तू अपना आप को नुकसान करने के लिए, तू अभी भी तुम्हारा वक्त है, सुधर जाओ, सही रास्ता पे आओ, पहचानो, लोगों को पहचानना सीख। मैं तुम्हारा घर पे आके तेरे माँ बहन को नंगा कर दूँ। अगले प्रताप सिंह तुम चुप हो जाओ, नहीं तो माफी मांगो, एपोलॉजी से माफी मांगो, तुम भी तुम हम लोग से माफी मांगो, सारा महिला से माफी मांगो, और नचल का महिला से तुम माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांगेगा और तेरा दिन कैरेट नहीं है, अच्छा रहने वाला नहीं, अभी तेरे अच्छा दिन आ गया, अभी तेरा बुरा दिन आने वाला है। हम लोग लखनऊ जाऊंगा, पुलिस थाना में हम लोग कटकटाऊंगा, हम लोग जो ओमेन 4% उनको बात करूंगा, हमारा लेटर मिला तुम क्यों जवाब नहीं दे रही है, पुलिस थाना में तुम एफआईआर लॉज किया क्यों, आपको यहाँ से एफआईआर लॉज का लेटर भेजा, आप क्यों ये जवाब नहीं, नारी जाति का बेइज्जती की है, अपमान की है, वो इस आदमी को कोई भी प्रदेश माफ नहीं करना चाहिए, कोई भी माफ नहीं करना चाहिए उसको, चाहे कहीं में भी। यहाँ क्यों आई है? एएसी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्यों लगता है कि आपको एएसी की टीम को सपोर्ट की जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है और अरुणाचल का अरुणाचल को बदलाव लाने के लिए एक मुद्दा है, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा, इसलिए हम लोग को साथ देना जरूरी है, नहीं तो हमारा जिंदगी, हमारा जो बाल बच्चा का जिंदगी जो है ना, बेटा बेटी का समय में बहुत दिक्कतें आने वाले हैं। किस तरह का बदलाव चाहती है, क्या ऐसा हो जाए कि अरुणाचल प्रदेश सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम लोग को ये चाहता है कि जो भी मंत्री बने, जो भी एमएलए बने और जो भी विधायक है, सभी नॉर्मली नॉर्मल आदमी बने, और जैसे बोलता है ना, राजा का बच्चा राजा बनेगा तो वो तो चूता लोगों का बात तो समझ में आएगा नहीं है, नेता का बच्चा नेता बनेगा तो वो हम लोग को तो पहचानेंगे नहीं है, और जैसे मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बनेगा तो होगा नहीं है, ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर बनेगा तो होगा नहीं है। तो इस हिसाब से जो करप्शन जो हो रहा है, वो एक्चुअली मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बनते हैं, वो पिताजी का समय से वो बिजनेसमैन था तो उसको मिनिस्टर बना गया, तो कैसे पैसा लूटना है, कैसे काम करवाना है, किसको देना है, उसको अच्छा से पता है। अच्छा, पेमा खांडू आपके मुख्यमंत्री हैं और अभी आप उसको देख रही हैं, इससे पहले उनके फादर भी थे, आप लोगों ने उनके फादर के शासनकाल को कितना देखा है और क्या लगा था? ऐसे तो हम लोग इतना ये नहीं है, इसका बाप, उसका बाप जो है बहुत अच्छा था हम लोग का ख्याल से शायद, मतलब वो ठीक लीडर थे, ठीक है सही है वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पेमा खांडू से बहुत अच्छे थे। अखिलेश प्रताप जो है वो लगातार टिप्पणीबाजी कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है और एएसी की टीम को जो है वो निशाना बना रहा है, क्या कहेंगे आप उसके? उसके लिए तो अखिलेश प्रताप सिंह को मैं अब पहले भी बोला, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, सुधर जा बच्चा, तुम्हारा उम्र इतना भी नहीं हुआ है कि तू अपना आप को नुकसान करने के लिए, तू अभी भी तुम्हारा वक्त है, सुधर जाओ, सही रास्ता पे आओ, पहचानो, लोगों को पहचानना सीखो, और अभी जो हरकत है ना वो करना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारा मुश्किलें आने वाले हैं। क्या लगता है आपको क्यों ऐसी हरकत वो कर रहा है, किसके पीछे क्या वजह होगी? उसके वजह क्या होंगे, किसी ने जेब गरम की है, हाथ पे माल मिला, सब तू होता है ना, बहुत ऐसा लोग कामिना निकालता है, पैसा मिलने पे किसी को भी मादर कर लेते हैं, और कोई ऐसा अच्छा आदमी होता है पैसा देने पर भी आपको मतलब नहीं लेगा, ऐसा भला लोग भी होता है। आपका विरोध या आपको निशाना बनाना जो है वो आपके यहाँ अरुणाचल का मुद्दा है, लेकिन ये शख्स तो अरुणाचल का है भी नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है? वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत, अगर अरुणाचल का होता हम लोग को जवाब देने में बात करने में अच्छा लगता, वो कहा कि लोग और कहा से आके हमारा मतलब महिलाओं को इतना बेइज्जती कर रहे हैं, वो इतना अगर और नाचार में आऊंगा नंगा कर दूंगा, ये सब भाषा आपको अच्छा लगता है क्या? मैं आपको मैं पूछूं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी माँ बहन को आप कैसे इस तरह की चीजें कह सकते हैं? मैं इसलिए तो हम लोग का गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है,
मैं इसे अखिलेश प्रताप सिंह को पहले भी बोला, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, वो ऐसे बोला अरुणाचल में आके नंगा कर दूंगा, अगर मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा घर पे आके तेरे बाप बहन को नंगा कर दूंगा, उसको कैसे लगेगा आप बताइए? बहुत बुरा लगेगा। तो उस चीज को अगर वो समझ के अगर चुप रहता और सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनका दीदी बहन अगर है, मैं मेरा न्यूज को सुन रहा है, कोई माँ बहन है, दीदी है, या कोई रिश्तेदार है लेडीज, कोई भी ओमेन अगर उसका रिश्ता में कोई भी कून में है तो समझा दीजिएगा इनको कैसे महिलाओं को कैसे बात करनी है। मैं यही अनुरोध करूंगा, नहीं तो उसकी दिन खराब दिन आने वाला है। अगर उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया और इसी तरीके से वो करता रहा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगले कदम क्या होगा बाद में देखा जाएंगे, लेकिन हम लोग जो कदम जरूर उठाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक सीधी चेतावनी दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह को। मैं तो चेतावनी तो मैंने तो दे दी है, अभी भी मैं दे रहा हूँ। अगले प्रताप सिंह तुम चुप हो जाओ, नहीं तो माफी मांगो, एपोलॉजी से माफी मांगो, तुम मीडिया का द्वारा हो या ईटानगर में आके भी तुम हम लोग से माफी मांगो, सारा महिला से माफी मांगो और नचल का महिला से तुम माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांगेगा और तेरा दिन कैरेट नहीं है, अच्छा रहने वाला नहीं, अभी तेरे अच्छा दिन आ गया, अभी तेरा बुरा दिन आने वाला है। अगर उसने माफी मांग लिया तो आप लोग माफ कर देंगी? एक कहावत है ना, हम लोग क्रिश्चियन हैं, ईश्वर को जानते हैं, वचन में लिखा है माफी देना सबसे बड़ा चीज होता है। वो एपोलॉजी मांगेगा, एपोलॉजी देगा, वो मीडिया में आके माफी मांगेगा, कम से कम तो लोगों का दिल तो शांत तो हो जाएगा। मतलब अगर उसने माफी मांगी तो आप लोग माफ कर देंगे, अगर उसने माफी नहीं मांगी और फिर से इस तरह का बयान किया तब क्या होगा? तब बता दिया मैंने उसका कैरेट नहीं है, बहुत बुरा दिन आने वाला है इनका। तो आप लोग ये दिल्ली में कब तक रहेंगे? मैं तो बस दो दिन का डरना है, मैं पुल सपोर्ट करने आया है, पुल सपोर्ट करूंगा तो हम लोग फिर वापस जाऊंगा और जाने का बाद फिर हम लोग सोचेंगे और फिर हम लोग कदम उठाएंगे, और इस बार अगर कदम उठाएगा बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली से अगर आप लोग लौट के अरुणाचल जाएंगी तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का, वहाँ क्या करेंगे? वही तो बड़ा कदम होगा, समझ लीजिएगा उसको, पूरा स्पष्ट तो करना जरूरी नहीं है, समझदारी के लिए इशारा काफी है। तो आने वाले वक्त में उसकी तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। हाँ। आप लोग दोबारा फिर आएंगे दिल्ली? दिल्ली नहीं, हम लोग लखनऊ जाऊंगा, पुलिस थाना में हम लोग कटकटाऊंगा, हम लोग जो ओमेन चेयरपर्सन उनको बात करूंगा, हमारा लेटर मिला तुम क्यों जवाब नहीं दे रही है, पुलिस थाना में तुम एफआईआर लॉज किया क्यों, आपको यहाँ से एफआईआर लॉज का लेटर भेजा, आप क्यों ये जवाब नहीं दे रहे? प्रताप के खिलाफ जो है वो अरुणाचल में बहुत सारा एफआईआर हुआ, कितना एफआईआर दर्ज हुआ होगा? 56 समथिंग जो है प्लस जो एफआईआर दर्ज हुआ उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुआ, तो उसका बाद तो आपका उसका यूपी में भेजा है, थाना में भेजा है, ओमिन थाना में भेजा है, ओमिन आपका कमिश्नर में भेजा है, अरुणाचल कमिश्नर से आपका ओमिन कमिश्नर यूपी वाला को भेजा है, सेक्रेटरी को भेजा है, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो लोग भी नहीं सोचना चाहिए, ये अखिलेश हमारा गांव की है, लेकिन अखिलेश जो है हम यही कहना चाहूंगा, ये हमारा इंडियन की जो औरत को वो टिप्पणी की है, हमारे इंडियन की औरत को गाली दी है, इंडियन की महिला सभी को गाली दी है, यहाँ में कोई जाति भेद नहीं होता है, महिला तो महिला होता है, आपका यूपी का हो या बिहार का हो या अरुणाचल की हो या असम का हो या कहीं का भी, नारी जाति का बेइज्जती की है, अपमान की है, वो इस आदमी को कोई भी प्रदेश माफ नहीं करना चाहिए, कोई भी माफ नहीं करना चाहिए उसको, चाहे कहीं में भी हो। कहते हैं कि अगर अरुणाचल में कोई जो है वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी दे तो तुरंत उस पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन उस पे नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख है इस बारे में, क्योंकि उसका अरुणाचल का एगेंस्ट पे सीएम का एगेंस्ट पे कोई कुछ बोलता है तो उसका एफआईआर लॉज हो जाता है, या कुछ थोड़ा सा सबूत मिल जाए तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर आ जाता है, और हमारा जो अरुणाचल में इतना सारा बाटी हो गई अखिलेश प्रताप सिंह का द्वारा, लेकिन अभी तक कोई अरुणाचल का गवर्नमेंट का जवाब नहीं है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। इसीलिए मैं सोचता हूँ हमारा जो मोदी सरकार से मैं यही मैं अनुरोध करना चाहते हैं, आप प्लीज़ 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 आप सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए,
हमारा अरुणाचल का जो करप्शन है अच्छा है, अच्छा होने से ठीक है। हम लोग पब्लिक अगर हमारा अरुणाचल की MLA और ये GCM का ऊपर में हम लोग अगर CBI और ED कुछ भी अगर नहीं मिलता है, प्रूफ नहीं मिलता है, तो हम लोग माफी मांग लेंगे, एपोलॉजी लिख लेंगे, आपका पाउच को हम लोग छू लेंगे। लेकिन जब अगर प्रूफ मिल गया तो वो क्या करना है वो आप जानते हैं, तो प्लीज प्लीज भेज दीजिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। मैम आप अरुणाचल से आई हैं और अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली को आपने देखा कितना डेवलप है ये, और आप अपने जिले को देखती हैं, अपने शहर को देखती हैं, अपने राज्य को देखती हैं, कितना दुख लगता है, कितना फर्क लगता है, क्यों है? बहुत दुख लगता है, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़ी बड़ी सड़कें और इतना बढ़िया से ये जो आपका बाजार है, जो ओवर ब्रिज जो देखते हैं, बहुत दुख लगता है। हम आकाश अगर हमारा अरुणाचल पे अगर ऐसा होता तो हम लोग भी बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। ऐसा क्या हो जाए कि आपका अरुणाचल भी जो है वो डेवलप हो जाएगा? वही तो वो बता रही हूँ आपको, अरुणाचल में डेवलप होने के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं ना, जो करप्शन वाला करप्टेड वाला जो लीडर है इनको थोड़ा साइड में करके जो हमारा जो अच्छा लोग को अगर उताए तो अच्छा रहेगा। और एक बार CBI और ED आ जाएगा तो करप्टेड ऑटोमेटिकली खुद ही डाउन हो जाएगा और पब्लिक को भी समझ में आएगा ये जो करप्शन करना जो कॉन्ट्रेक्टर होता है 10% 5% जो मांगते हैं, 20% मांगते हैं, वो भी मांगने के लिए डिपार्टमेंट जो माला मांगते हैं जो भी काम में वो भी नहीं मांगेगा। और उसकी बाद में जो MLA मिनिस्टर होता है किसी को नौकरी देने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए उससे जो पैसा लेते हैं वो भी नहीं होगा। वो जो आप लोग का आप लोग सडनली सुना होगा APS जो पेपर लीक हुआ है, आप लोग से 45-50 लाख में खरीदा गया एक एक पेपर को, एक पेपर 40-50 लाख। हाँ जी, मतलब इतने पैसे हैं अरुणाचल में। हाँ जी, तो इसलिए उस ऐसे खरीद के नौकरी दिया जाता है। तो हम लोग का बच्चा अभी पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, हम लोग गरीब है, हम लोग का पास तो 40-50 लाख तो हम लोग जिंदगी में देखा ही नहीं है, तो कैसे करके हम लोग का बच्चा नौकरी मिलेगा? इस करप्टेड को खत्म करने के लिए हम लोग का CBI ED मांग रहा है। सारा बच्चा को हम लोग कितनी करके जैसे कि बाजार में सब्जी बिक्री करके हम लोग जो मेटून बोलता है ना वो बिक्री करके हम लोग बच्चा को पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छा अच्छा स्कूल में एजुकेशन देता है। हम लोग इतना दूर दूर जगह पे भेजते हैं लेकिन अंत में आके देखते हैं तो नौकरी को दूसरा खरीदा हुआ है और यदि खरीदा गया तो जीरो हो जाता है इंटरव्यू, तो बोलता है तुम्हारा बच्चा टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट सब टैलेंट है, फिजिकली में उसको इंटरव्यू देने दो, पैसा का मैनिपुलेट नहीं करके, अगर उसमें सच्चाई और जूता निकल जाएगा। मैं मिनिस्टर का MLA का ऑफिसर का बच्चा क्या करते हैं, बाहर में पढ़ने जाते हैं, इंजीनियर करने जाते हैं, लॉ करने जाते हैं, इंजॉय करते हैं, दारू पी के घूमता है, कुछ काम नहीं करते। और हमारा जो गरीब का बच्चा है इतना पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं दिन रात, माँ बाप का दुख और तकलीफ को आंसू को देख के हम लोग का बच्चा पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी का समय जब आता है वो दिन रात पढ़ने वाला माँ बाप का आंसू को देख के वो पढ़ने वाला उस बच्चा का नौकरी नहीं होता है। जो लग्जरी करके जो मिनिस्टर का MLA जो मिनिस्टर MLA का बच्चा जो ऑफिसर का बच्चा जो घूमता है उसको नौकरी लग जाता है क्योंकि उनका पास पैसा है, वो खरीद लेता है। तो आपके यहाँ हर चीज जो है पैसे से बड़े लोग खरीद लेते हैं। अगर यहाँ पे तो आप देखो अगले प्रताप सिंह का जैसे वाला को खरीद के अगर इतना बात करने दे रहे हैं, महिला का ऊपर में टिप्पणी करने दे रहा है, बेजे क्या क्या अग्राम संग्राम बातें करने दे रहा है, क्यों क्यों नहीं खरीद सके आप बताइए? तो आपके आप लोग यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस तरह की चीजों पे नकेल कर सके? इसीलिए तो हम लोग CBI ED मांग रहे हैं, इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो CBI और ED आके अगर 2-3 आदमी को अरेस्ट कर लिया, बार बार परेशान करके अगर बुला लिया, तब ये लोग ना जब ये लोग डरेगा, सोचेगा, गलती करने पर मजबूर होगा, अरे हम क्यों किया, नहीं करना है, उस टाइम ऐसे हुआ था। तो इसलिए तो ऐसी टीम आवाज उतारे आज। मतलब आपका एक तरीके से ये कहना है कि अरुणाचल में जो है इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो इन लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ जी, यही बात है, उस पे नकेल कसना। हाँ जी, हाँ ये बात है,
तो आपकी क्या मांग है कि मुख्यमंत्री को हटा दिया कुर्सी से या पार्टी का बहिष्कार हो, क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, पार्टी का बहिष्कार हो वो हम नहीं चाहते हैं, और मुख्यमंत्री का ये कुर्सी से हटाना वो भी हम नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए जब सीबीआई ईडी आएगा, कुछ दिन के लिए वो जरूर, मतलब शायद में 2-3 महीना के लिए ड्रॉप करना जरूरी है। वो पावर में रहेगा, क्या होगा उसका मुट्ठी में होगा, वो सबको काम करने नहीं देगा, डिस्टर्ब करेगा। तो आप लोग की नाराजगी किसी पार्टी से, किसी शख्स से नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से? हाँ जी, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, और हम लोग पार्टी का भी नहीं है, हम लोग आम आदमी है, खुद काम करके रोजी रोटी कमा के हम लोग खाते हैं, ठीक है। हम लोग खुद रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, किसी से ना मांगने जाता है, ना किसी से हम लोग किसी को ना पूछने जाते हैं, कुछ का खुद का काम खुद करने वाला लोग हैं। आम आदमी की जो दैनिक जिंदगी है वो तो रोटी कपड़ा और मकान में उलझी होती है, इतनी महंगाई हो गई है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है, फिर भी आप लोग जो है अरुणाचल से दिल्ली आ गई इसको सपोर्ट करने के लिए। वही बात है ना, अभी आप देखिए, मेरा छोटा छोटा दुकानी है तो हमको उसको देखभाल करना पड़ता है, और 20-25 तो मेरा स्टाफ है, उनको भी ख्याल करना पड़ता है। इस सब चीजें में एक दिन अगर हम बाहर जाए, मेरा कम से कम 5-6 हजार रुपया का नुकसान होता है। 5-6 हजार भी हमारा लिए बहुत बड़ी बात होती है। अभी इतना नुकसान करके हम यहाँ क्यों आए हैं? हम फ्यूचर को सोच के आए हैं, हमारा आने वाला दिन को सोच के आए हैं, हमारा बच्चा का भविष्य को सोच के आए हैं, हमारा जो अरुणाचल का जितने भी बच्चे है बाहर में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए हम आए हैं। आप एक सीधा सा मैसेज दीजिए वहाँ के प्रशासन को और अपने बच्चों को, किस तरीके से अपने भविष्य को संवारे और ऐसे लोगों से बच के रहें। मैं यही अपील करूँगा, हमारा जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, सभी को मैं यही अनुरोध करूँगा, आप लोग ये कीजिए, बड़े बड़े जो मिनिस्टर, MLA, ऑफिसर, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, इनका बच्चा जो ड्रग्स का आजकल एडिक्ट होता है, ड्रग पीते हैं, दारू पीते हैं, जो पे जाते हैं वो लोग उधर उधर करके घूमते हैं, और जो बच्चे, जो गरीब घर का बच्चा लोग को यूज करते हैं, सिखाता है, तो हम ये अपील करूंगा, हमारा जो नॉर्मल जिंदगी जो जीने वाले जो बच्चा लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं अरुणाचल के, लड़की हो या लड़का, जितना लड़की हो या लड़का, जितने भी बच्चे हैं बाहर में पढ़ने वाला या हमारा जो अरुणाचल के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला, सभी को मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ, ये बड़े लोग का बच्चा जो करते हैं उनको देख के आप लोग ना के नहीं करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग माँ बाप इतना गरीब है, इतना कष्टों से, दुख से मेहनत करके, दिन का हाजरा करके आप लोग को पढ़ाता है, और आप लोग को चुता चुता नौकरी करके पढ़ाता है, सर्विस में रह के पढ़ाता है, अपना घर चलाएगा ना, बच्चा को पढ़ाएगा ना, जो मेडिकल वगैरह होने से दिक्कत होता है, रिश्ता को निभाएगा, ऐसे होके जो बच्चा को पढ़ा रहे वो बच्चा लोग आप लोग रिपेन कीजिए, आप लोग ड्रग्स का एडिक्ट, और उसके बाद में आपका जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जो तमाकू आइटम होता है, तिरंगा, रजनीगंधा, वो सबको ना ले आप लोग अच्छा बच्चा बनिए, आज की बात एक अरुणाचल में मिसाल बनना है, बच्चा लोग जो जवान जवान लड़की लड़कियां है सब मिसाल बना के बन के आप लोग जिंदगी, मतलब अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए, जो अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग, मतलब जितना गंदगी है उसको फेंकने के लिए आप लोग ही भविष्य में मिनिस्टर, MLA, ऑफिसर सब आप लोग बन जाइए, हम यही अनुरोध करूँगा। शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से जो वहाँ गरीब के बच्चे जो है अमीर बच्चों के शिकार हो रहे हैं, उनके शौक के शिकार हैं, वो शराब, जुआ और नशा और ड्रग्स, इन तमाम चीज़ों में उलझे। उम्मीद है कि इनके मैसेज का प्रभाव पड़ेगा और लोग जो है वो सही रास्ते पर आए।